हमें तो पहले ही पता था नंदू जीजा जी कितने बड़े वाले परपंचू है, पर किसी ने हमारी सुनी नहीं। सुनिए दादी जी, आप हमें शर्म आ रही थी। अमित भैया की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे तुम्हारा भी हाथ था। वो रानी और गोलू के साथ तुमने मिले हुए थे। आप रानी बाबी से प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करती है, आप दोनों को मिलवाया, गलत किया हमने? मिलवाया हमको मिलवाया। तुम्हें पता है रानी ने शादी नहीं की हमसे। ऐसी बातें कर रहे हो? वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे जो कुछ भी किया आपके लिए किया उन्होंने, हम अभी बात करेंगे उनसे। कहां पे हो? सुनो, अगर रानी से बात की ना तुमने तो तुम्हारी जान ले लेंगे। यही सब बहुत हो गया परपंच। तुम्हारी वजह से उस दो टके की रनिया ने हमारा विधवा की बेइज्जती की, और तुम्हारी वजह से लड़की शिवम की लुगाई बन के हमारे घर में बैठी है। घर की बर्बादी में आपका बहुत योगदान है। निकलो, आप चुप रहिए, निकलो यहां से। अरे नहीं, क्या कर रहा है उसमें तू? छोड़ दिया इसने प्रज्ञा को तो जूठन कहलाएगी ये भी। जूठन नहीं हो माँ। प्रज्ञा, हमारे समाज में हर छोड़ी हुई औरत को जूठन ही कहते हैं। अरे ना, अपने घर से वापस आएगा वो। काक, ये हमारी काम मर दे रहे हो आप निशा। छोड़ दिया तो इन अंधों ने प्रज्ञा को कहाँ कर लेंगे फिर हम? घर में आ गई ना, देख उसका सर देख।